हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है बीसीजी मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बीसीजी मैट्रिक्स को ही डिटेल में जानेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना यार, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरीज के लिंक्स तो हैं ही, साथ में पीपीटीज के और नोट्स के भी लिंक है। आपको जिसकी जरूरत हो आप उसको सिर्फ 10 रुपये दे करके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं जरूरत हो तो आप छोड़ सकते हो। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से जान लेते हैं कि जो बीसीजी मैट्रिक्स है वो हम लोग कहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ डिटेल में जानेंगे। और साथ में मैंने आपको बता दिया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा थ्योरीज का, और साथ में पीपीटी और नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा, जिसका वैल्यू सिर्फ 10 रुपये है। अगर आपको जरूरत हो तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर जल्दी से जानते हैं कि ये जो आपको बीसीजी मैट्रिक्स है भाई है क्या, ठीक है। सबसे पहले यही जानते हैं, ये जो डायग्राम मैंने खोला हुआ है यही आपको पूरा बीसीजी मैट्रिक्स समझ में आ जाना चाहिए। यहीं से नहीं तो आता है तो फिर हम लोग डिटेल में समझेंगे। मैक्सिमम मैं पूरा आपको कोशिश करूंगा यहीं से समझा दूं। टॉपिक स्मार्ट इनसाइट से ये लिया गया है, ठीक है। अब बीसी मैट्रिक्स आया कहां से, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है। बीसीजी मैट्रिक्स यानी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है। एक कंसल्टिंग कंपनी है बीसीजी और मैकेंजी, बहुत फेमस कंपनीज है यार, ड्रीम कंपनीज है बहुतों की जॉब करने के लिए, बहुत अच्छी कंपनीज है, ठीक है। तो एक तरीके से उन कंपनीज में ये डेवलप हुआ, इसलिए इसे बीसीजी मैट्रिक्स कहा जाता है। असल में इसका नाम क्या है भाई, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। लोग इसको ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स जानते हैं जस्ट बिकॉज कि ये बताता है आपको, बताता क्या ये भी जान लेते हैं कि भाई कि बीसीजी मैट्रिक्स है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बीसीजी मैट्रिक्स क्या बताता है आपको कि यार कौन सा जो कंपनीज के प्रोडक्ट है ना, एक तरीके से आप प्रैक्टिकली अगर समझो इसको, सारे कंपनीज के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है, जिसके वो चार्ज लेती है। तो सारे प्रोडक्ट्स या सर्विस जो होते हैं ना वो एक सेपरेट आइडेंटिटी होल्ड करते हैं उस कंपनी में, ठीक है, कि भाई अगर ये मेरा प्रोडक्ट है, हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कितने पैसे लगाएं जिससे कि ये मार्केट में चल जाए, इसका नाम हो जाए, ठीक है, और उसके बाद मेरे को कितना रेवेन्यू इससे जनरेट होगा। अब अल्टीमेटली जब हम लोग पैसे लगा रहे होते हैं तो भाई ये देखना होता है कि हम लोग को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या होगा कि नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो वो पैसे लगाने वाली बात है ना, वो बीसीजी मैट्रिक्स में बताया जाता है आपको कि क्या आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको उसमें पैसे खर्च करने चाहिए एज अ कंपनी या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है यार, क्योंकि एज अ लीडर, एज अ मैनेजरियल पोजिशन में जब आप रहोगे कल को, तो आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई क्या इस प्रोडक्ट में जो कि कंपनी के लिए उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दे रहा है, क्या पैसे लगाने चाहिए आगे। तो वो चीज़ आपको ये टॉपिक क्लियर करने के बाद आपको बताता है, ठीक है। यही है कंक्लूजन इसका, कि एज अ कंपनी आपको ये पता चल सके कि भाई किस प्रोडक्ट में पैसे लगाने हैं, कहाँ से पैसे निकाल लेने हैं, किस प्रोडक्ट को ही सेल ऑफ कर देना है, या प्रोडक्ट रखना ही नहीं है, बेचना ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में हमारा चल नहीं रहा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर करता है, ठीक है। अब समझते हैं भाई ये डायग्राम क्या है। मैंने बता दिया 1970s का ये बात है, 1970s में बीसीजी में आया था ये। असल नाम इसका ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में ही फाउंड हुआ था, तो इसलिए इसे बीसीजी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब समझते हैं भाई यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। पूरा डायग्राम में आपको ये दो चीज़ दिखाने चाह रहा है, मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो, ये है रिलेटिव मार्केट शेयर, यानी कि जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपका रिलेटिव मार्केट शेयर दिखा रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस जो है वो मार्केट ग्रोथ रेट, यानी कि मार्केट जो है वो किस हिसाब से ग्रो कर रही है। यानी कि आप एक तरीके से समझ के चलो कि जिसका हाई है तो यानी कि उसका मार्केट ग्रोथ रेट ज़्यादा है, यानी कि वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में चल रहा है, ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है, जल्दी बढ़ेगा वो, ठीक है। अभी 10 लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कल को 100 करेंगे, फिर लाख करेंगे, वो ग्रोथ रेट है, मार्केट में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। नीचे लो है, ऊपर हाई है। सेम चीज़ रिलेटिव मार्केट शेयर, यानी कि जो मार्केट का शेयर है हमारी कंपनी का, एज अ कंपनी आप जब कंपनी के लिए कर रहे होगे तो एज अ कंपनी, ये आप प्रैक्टिकल समझ लो यार, बाद में इसी को थ्योरी वाइज लिख सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप चाहे थ्योरी में लिखो, चाहे पीपीटी में समझाओ, चाहे असाइनमेंट में लिखो, हर जगह आप आसानी से क्लियर समझा पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है। तो अब रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है, रिलेटिव मार्केट शेयर आपको बता रहा है कि भाई हमारी कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। अगर 10 कॉम्पिटिटर्स हैं तो 10 कॉम्पिटिटर में हम कितना मार्केट ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ठीक है, वो भी ये लेफ्ट टू राइट में हाई जा रहा है, यानी कि यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है। सेम चीज़ नीचे लो है, ऊपर हाई है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लो टू हाई, लो टू हाई, यानी कि ये दोनों यहाँ पे जो स्टार है आपका वो दोनों हाई हाई है, यानी कि इसका मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है, इसका रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है। ये समझ में आ रहा है मार्केट ग्रोथ रेट क्या हुआ, रिलेटिव मार्केट शेयर क्या हुआ, ठीक है। ऊपर से नीचे तक हाई, लेफ्ट टू राइट आपको, राइट टू लेफ्ट में सॉरी हाई, ठीक है, ये दोनों क्लियर। अब समझते हैं कि कैश यूसेज और कैश जनरेशन का क्या मतलब है। तो भाई कैश यूसेज का मतलब है कि जब एक कंपनी, आप एक तरीके से मैंने बताया ना कि आप एक एज अ कंपनी आपको कुछ खर्च करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट को थोड़ा मार्केट में ग्रो करने आने के लिए, ठीक है, कि सारे ज़्यादा वाइड एक तरीके से ब्रॉड मार्केटिंग हो, तो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे थोड़ी, ठीक है। तो ये कैश यूसेज यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, चाहे वो ये हो, आगे समझते क्या है, ठीक है, तो वो कितना कैश खा रहा है। नीचे लो है, ऊपर हाई है, यानी कि जो आपका स्टार है वो कैश यूसेज भी इसका हाई है और
कैश जनरेशन भी इसका हाई है, ठीक है, सेम चीज़ है, राइट टू लेफ्ट आपका हाई है, नीचे से ऊपर इसका हाई है, ठीक है, यानी नीचे नीचे लो है, ऊपर हाई होगा, इधर लो है, यहाँ तक आते आते हाई हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ बताना चाह रहा है। कैश यूसेज समझ में आएगा कितना ज़्यादा पैसा लग रहा है उस प्रोडक्ट को बड़ा करने में, और कैश जनरेशन यानी कि कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, सिंपल है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट में, राइट टू लेफ्ट में, थोड़ी गलती हो जा रहा है, राइट से लेफ्ट आते हुए कैश जनरेशन भी बढ़ रहा है। तो अब समझते भाई क्या कहना चाह रहे हैं, बाकी लो हाई समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग समझते हैं क्या, ठीक है। तो बीसीजी मैट्रिक्स भाई एक तरीके से विंडो टाइप का आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि चार क्वाड्रेंट्स में मेन ये बीसीजी मैट्रिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। पहला होता है स्टार, दूसरा होता है क्वेश्चन, तीसरा होता है कैश कॉ, फोर्थ होता है डॉग, ठीक है। ये चार आपको बीसीजी मैट्रिक्स के अहम क्वाड्रेंट्स हैं, यानी कि मेन क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। अब समझते हैं क्या क्या, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार क्वाड्रेंट, ठीक है। स्टार में क्या बताना चाह रहा है भाई, तो स्टार आपको ये बताना चाह रहा है कि भाई एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके लिए आपका रिलेट, आपका जो मार्केट शेयर है आपके पूरे मार्केट में, इंडस्ट्री में, वो भी हाई है आपको उस प्रोडक्ट में, ठीक है। आपका जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो भी हाई है, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि आप एग्जांपल लेके चलो मोबाइल फोन्स, ठीक है। अब किसका एग्जांपल आप ले सकते हो, Xiaomi का ले लो, ठीक है। अब Xiaomi के लिए कोई एक फोन का क्या होगा भाई, वो स्टार प्रोडक्ट होगा Xiaomi के लिए, Xiaomi Redmi के लिए। क्यों होगा भाई, क्योंकि उसका जो मार्केट शेयर है उस प्रोडक्ट में वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जो मार्केट ग्रोथ रेट है यानी कि जो फोन्स का यूसेज है वो भी ज़्यादा है भाई, ऑफ कोर्स ही बात है, फ़ोन बढ़ रहा है लोग, और जितना फ्यूचर जैसे आप रूरल एरियाज में पहुँचते जाओगे वैसे वैसे और एक्सपैंड होगा, तो आपको क्या होगा, लोगों के वजह से पैसा आएगा, तो यार स्मार्टफोन सबको चाहिए, तो ग्रोथ रेट क्या है, मार्केट का ग्रोथ रेट ज़्यादा है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्मार्टफोन यूज़ नहीं किया है, मे बी अगर ये हम लोग स्टार प्रोडक्ट एक उस रेडमी के चीप फोन को मान लें जो कि 7-8 हज़ार का आता है, ठीक है, तो 7-8 हज़ार में क्या होगा, कोई जो रेडमी का प्रोडक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो उसका मार्केट शेयर क्या है भाई, उस रेंज में सबसे हाई है, बाकी पूरे कॉम्पिटिटर्स में उसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, ठीक है। मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है, जस्ट बिकॉज कि यार अभी आगे और भी लोग हैं जिनको ये खरीदना है और ख़रीदेंगे लोग, ठीक है, तो ये भी हाई है, और कैश जनरेशन भी है वो भी हाई है भाई, और कैश यूसेज भी हाई है। ये कहना चाह रहा है ये स्टार क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट इस स्टार क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं उनके साथ क्या होता है भाई, उनके उनका ग्रोथ रेट मार्केट में ज़्यादा होता है, मार्केट शेयर उस कंपनी के लिए प्रोडक्ट का ज़्यादा होता है, कैश जनरेशन यानी कि रेवेन्यू जो है वो इनकम वो भी वो प्रोडक्ट वो ज़्यादा जनरेट करके दे रहा है, और कैश यूसेज भी वो हाई कंज्यूम कर रहा है। कैश यूसेज हाई होने का मतलब क्या है भाई, कि मार्केट आपको ज़्यादा करना पड़ रहा है उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब फ्यूचर में आप देखोगे भाई तो क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक तो आप ये करोगे नहीं ये चीज़, ठीक है, आप कितना टाइम तक भाई पैसे खर्च करते रहोगे, अगर आपको ये कैश जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि भाई हर समय तक पैसे लगा करके जनरेट करने हैं, अगर आपके लिए खर्च होते ही रहेगा तो भाई आप इनकम कैसे आए, प्रॉफिट्स में कैसे आओगे ज़्यादा, तो उसके लिए आपको ये करना है कि कैश यूसेज आपका कम हो। अब कैश यूसेज जिस समय कम होता है उस समय क्या होता है भाई, उस समय वही प्रोडक्ट आपका कैश काउ बन जाता है। यार ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है, आराम से समझते हैं हम लोग, ठीक है। मार्केट ग्रोथ रेट जब आपकी ज़्यादा है, ठीक है, तो भाई वो एक सिंपल सी बात है भाई, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आप रेडमी का एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे थे, तो रेडमी का कोई भी एक मॉडल जो 6-7 हज़ार का है वो ज़्यादा पैसे भी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उसको मार्केट ज़्यादा करनी पड़ी, उसको अमेज़न में ज़्यादा में ज़्यादा मार्केटिंग के लिए अमेज़न को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, फ्लिपकार्ट को ज़्यादा देने पैसे पड़ रहे हैं, पेपर में ऐड करनी पड़ रही है, टीवी में ऐड करनी पड़ रही है, सोशल मीडिया स्टार्स इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने पड़ रहे हैं, टेक गुरुज़ को पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो क्या है, कैश यूसेज ज़्यादा खा रहा है, और उसके साथ कैश जनरेशन भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वो स्टार प्रोडक्ट है कंपनी के लिए भाई। अब जब पैसे आप कम कर दोगे ना, तो क्या होता है, कैश जनरेशन अभी भी हाई रहेगा, लेकिन कैश यूसेज कम करने की वजह से आपका वो कैश काउ में फॉल कर जाता है। कैश काउ तब होता है भाई, वो प्रोडक्ट तब होता है जब आप उस प्रोडक्ट से जो स्टार था, अब आप उससे पैसे जनरेट करने लग जाओ। पहले क्या, पैसे आप जनरेट नहीं कर रहे थे, एज अ कंपनी क्या था, आपके लिए खर्च भी ज़्यादा था और जनरेशन भी पैसे भी ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन प्रॉफिट कब होगा, जब आपके पैसे कम लग रहे हो और रेवेन्यू जनरेशन उतना ही आ रहा हो, ठीक है, तब यही प्रोडक्ट स्टार प्रोडक्ट जब आप उसमें पैसे कम खर्च करते हो तो वो आपका कैश काउ बन जाता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है, क्या होता है भाई, ये केवल कैश यूसेज लो नहीं होता है, मार्केट का ग्रोथ रेट भी आपका लो हो जाता है, यानी कि आपका जो ग्रोथ रेट है मार्केट में वो भी कम हो जाता है उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। वो वैसे प्रोडक्ट जो है वो कैश काउ में फॉल करते हैं, ठीक है। यही प्रोडक्ट अगर कम हो जाएगा कल को, जब कैश यूसेज इस प्रोडक्ट कंपनी ने कम कर दिया उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो वही स्टार प्रोडक्ट आपको कैश काउ बन सकता है, नहीं तो कोई और ऐसा प्रोडक्ट जो भी हो सकता है जिसमें कैश यूसेज कम जा रहा हो, मार्केट ग्रोथ रेट कम हो, ठीक है, जनरेशन रेवेन्यू जनरेशन हाई हो, लेकिन मार्केट शेयर जो हो वो भी वो हाई हो, ठीक है, वो कैश काउ प्रोडक्ट होता है उस कंपनी के लिए, ठीक है।
ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई कि ये हम लोग चारों पहले इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई कहना क्या चाह रहा है ये टॉपिक, ठीक है। तीसरा आता है भाई आपको ये क्वेश्चनेबल मार्क, ठीक है। क्वेश्चनेबल क्या होता है भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कोऑर्डिनेट आपका ये कह रहा है भाई, जैसा नाम है क्वेश्चन, यानी कि अभी हमें सस्पेंस है भाई, हमें नहीं पता क्या होगा इस प्रोडक्ट के साथ, क्या नहीं होगा, ठीक है। अब इसका आपको समझ में आ रहा है भाई, हम लोग एक तरीके से टैली करते हैं। मार्केट शेयर क्या है इस प्रोडक्ट का, लो है, ठीक है। कैश जनरेशन भी क्या है भाई, लो है। मार्केट ग्रोथ रेट हाई है और कैश यूसेज भी हाई है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या लेके चलेंगे हम लोग, आप ये मान के चल लो भाई कि गूगल के लिए गूगल पे, ठीक है। आज से 3-5 साल पहले जब UPI शुरू हुआ था, ठीक है, 2018-16 डिमोनेटाइजेशन की बात है, ठीक है। तो उस समय जब UPI शुरू हुआ था तो गूगल ने लगा दिया तेज नाम से ऐप को लॉन्च कर दिया, बाद में उसे रीनेम कर दिया गूगल पे नाम से, ठीक है। तो उस समय उन्होंने क्या किया भाई, रिस्क लिया, उन्हें नहीं पता कि मार्केट शेयर जो है वो कहाँ जाएगा, ठीक है, उन्हें नहीं पता क्या होने वाला है उसके साथ। कैश जनरेशन उस समय लो है उस प्रोडक्ट का, ठीक है, हमें नहीं पता ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, कल को स्टार बनेगा, कैश काउ बनेगा, डॉग बनेगा, हमें नहीं पता, लेकिन अभी के लिए वो क्वेश्चन मार्क है, अभी हमें नहीं पता क्या है। किस प्रोडक्ट को आप क्वेश्चन मार्क कहते हो भाई, जब जिसमें कैश जनरेशन लो हो रहा हो, मार्केट शेयर भी आपका उसमें कम हो, अभी आप नाम ही नहीं हुए उस इंडस्ट्री में, ठीक है। गूगल पे क्या, क्योंकि उस समय पेटीएम था पहले से, मोबीक्विक था, उस समय ज़्यादा फ्री चार्ज था, फोन पे ज़्यादा जल्दी कैप्चर कर रहा था मार्केट, गूगल पे नहीं था, इसलिए गूगल पे ने क्या किया भाई, बहुत डिस्काउंट दिए, कैशबैक ले लो, बैंक में ले लो पैसे, कहीं भी, मतलब 200-500 ऐसे ही दे रहे, पैसे लुटा रहे एकदम। तो क्या है, कैश जनरेशन उसमें लो है, लेकिन जो कैश यूसेज है, जो क्या आप खर्च कर रहे हो पैसे, वो बहुत हाई है। क्या गूगल पे ने बहुत पैसे खर्च किए भाई, पैसा लेके जाओ 200 रुपये 500 रुपये सबको बैंक अकाउंट में देते जाओ। और मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है, क्यों, क्योंकि भाई करोड़ों लोग हैं फोन पे UPI ये सब यूज करने के लिए, UPI पेमेंट्स, तो मार्केट ग्रोथ रेट UPI सर्विसेज की बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी गूगल पे के लिए उस समय क्या था, कैश जनरेशन उससे कम हो रहा था और मार्केट शेयर उस समय कम था, तो उस समय भाई वो क्वेश्चनेबल प्रोडक्ट था। अब हो सकता है कि वो हाई स्टार प्रोडक्ट बन गया है गूगल पे, गूगल के लिए अभी कैश काउ नहीं है क्योंकि अर्न नहीं कर रहे उतना, ठीक है, थोड़ा बहुत कर रहे हैं लेकिन अभी भी स्टार प्रोडक्ट है। कल को जब इसमें कैश यूसेज पूरा खत्म कर देगी कंपनी, तब वो कैश काउ में आ सकता है, लेकिन तब ये डिपेंड करेगा कि भाई मार्केट ग्रोथ रेट भी लो हो जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है। ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट जो कि है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्वाड्रेंट। लास्ट आता है आपका डॉग भाई। डॉग क्या है, एकदम सबसे छटा हुआ प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आप कंपनी को पैसे लगाने नहीं चाहिए, उल्टा निकाल लेने चाहिए, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे कैश जनरेशन है लो है, मार्केट शेयर लो है, मार्केट ग्रोथ रेट भी लो है भाई, और कैश यूसेज भी लो है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो भी डॉग में फॉल करता है वो ऐसा है भाई जिसमें कि आपको पैसे भी नहीं आ रहे, मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है, आपका मार्केट शेयर भी कम है। तो एज अ कंपनी भाई ऐसे प्रोडक्ट जो कि इस डॉग कैटेगरी में फॉल इन करते हैं उनको सबसे पहले बेच देना चाहिए। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या समझ में आया भाई यार, तो अगर ये चारों क्वाड्रेंट हम लोग को ये समझ आ रहा है कि अगर कोई स्टार क्वाड्रेंट है, यानी कि एक कंपनी को उसमें पैसे लगाने चाहिए, ठीक है, लगाने चाहिए उस हद तक जब वो कैश काउ में कन्वर्ट हो और उससे पैसे जनरेट करने लगे, ठीक है। अब एज अ BCG मैट्रिक्स हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा, ताकि हमें ये पता चले कि भाई कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने। तो भाई स्टार में आप पैसे लगाते हो, ठीक है, एज अ कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट स्टार क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है तो आप एज अ कंपनी पैसे लगाओगे। क्वेश्चन में कर रहा है तो आप थोड़ा कम लगाओगे वैसे भाई, सोच समझ के, या तो रिस्क है उसमें, आप रिस्क एनालाइज करके लगाओगे कि ठीक है भाई डूबेगा तो हमारा ही जिम्मेदारी है, लेकिन बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बूम कर जाएगा, ठीक है, जैसे गूगल पे कर गया गूगल के लिए। अब आगे तीसरा क्या है, कैश काउ। कैश काउ में भाई जो प्रोडक्ट फॉल इन करता है उसमें आप कितने पैसे लगाओगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज के आपको एक दिन प्रॉफिट भी निकालना है, ठीक है, तो अब आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप उसमें कितने पैसे लगाओगे वो आपको देखना है। और कोई डॉग कैटेगरी में फॉल करना है तो भाई आपको पैसे निकाल लेने की जरूरत है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यही है ये पूरा टॉपिक, समझ गए। अब दोबारा एक और बार देख लेते हैं, डॉग्स क्या है भाई, दीज आर प्रोडक्ट्स विथ लो ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर, यानी कि सबसे ग्रोथ रेट कम है, मार्केट शेयर भी उसमें हमारी कंपनी का, जिस कंपनी के लिए आप कर रहे हो वो कम है। क्वेश्चन पेपर और प्रॉब्लम चाइल्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यानी कि जो सेकंड वाला हम लोग ऊपर अभी रिवर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स इन हाई ग्रोथ मार्केट विथ लो मार्केट शेयर, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया गूगल पे का हम लोग ने एग्जांपल लिया था, ठीक है। थर्ड स्टार्स, यानी कि प्रोडक्ट इन हाई ग्रोथ मार्केट विथ हाई मार्केट शेयर, यानी कि भाई बूमिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा, पैसे उसमें ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए वो मार्केट शेयर भी ज़्यादा है, वो आपको जनरेशन भी सबसे ज़्यादा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक स्टार प्रोडक्ट है। और कैश काउ यानी कि प्रोडक्ट इन लो ग्रोथ मार्केट्स विथ हाई मार्केट शेयर, भले ही अब उसका ग्रोथ मार्केट जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो कम हो गया है, लेकिन आपका मार्केट शेयर जो है वो अभी भी सबसे ज़्यादा बना हुआ है उस मार्केट में, ठीक है। ये है आपको चारों क्वाड्रेंट्स। अब यार जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो यही चीज़ को आप डिटेल में एक्सप्लेन करते हो कि भाई चारों क्वाड्रेंट्स क्या है,
कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्या उसका एग्जांपल है, यही चीज़ों को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। और जहाँ तक बात रही यार, अगर आप थ्योरी वाइज इसको लिखोगे एग्जाम में, तो आप एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हो। अब थ्योरी वाइज यार आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा, जैसे मैं आपको बताता हूँ हमेशा, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है, आंसर इससे निकल जाएगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है भाई, तो कोई भी कंपनी जब ये चीज़ कर रही होती है, तो उससे सबसे बेस्ट क्या पता चल रहा है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट में पैसे लगाने हैं, कौन से में नहीं लगाने, तो ये एक एडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करोगे भाई, तो पैसे लगाने हैं नहीं लगाने हैं ये प्रोसेस कौन है, हम और आप तो नहीं बताएंगे, इसके पीछे डीप रिसर्च चाहिए, उसमें भी पैसे लगेंगे भाई उस रिसर्च को करने में, ठीक है। हम आम जनता तो करने नहीं वाली है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग लगेंगे, पूरा प्रोसेस होगा, लंबा चौड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस जाएगा, ऐसा नहीं है थोड़ा झुटकी बजाय पता चल गया इस प्रोडक्ट में पैसे लगाओ उस प्रोडक्ट में पैसे मत लगाओ, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं, मतलब एक तरीके से आप ऐसे नहीं ना मुंह दबानी चल रहे हो भाई, थ्योरीज पे जा रहे हो, आप देख रहे हो कि क्या फाइनेंस आपका क्या बोल रहा है, मार्केट शेयर आपका क्या बोल रहा है, एक्सेल आपके फाइल जो है वो आपके जो ग्राफ्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ आपका एक तरीके से डिटेल प्रोसेस है, वो एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज की अगर हम लोग और बात करें, तो भाई जब आपको ये चीज़ पता चलता है बीसीजी मैट्रिक्स से, तो आप क्या है, आप अपना और अच्छा कर पाते हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और अच्छा कर पाते हो, आप अपने प्रोडक्ट को और अच्छा कर पाते हो, आप अपने मार्केट शेयर को और अच्छा कर पाते हो, ऐसे ही एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। थ्योरी वाइज मैंने बताया यार, एक तरीके से आपको बस लिखना है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आप थ्योरी आसान से लिख सकते हो, बाकी उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं अगर आप थ्योरी वाइज पढ़ना चाह रहे हो तो। बाकी पीपीटी में एक्सप्लेन करने के लिए जितना मैंने किया है उतना कर दो, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, और इसके अलावा जीडी पीपीटी असाइनमेंट्स में आपको मदद मिल जानी चाहिए, ठीक है। अब अगर इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम लिंक्डइन के लिंक्स मेरे पर्सनल नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भी आके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो यार मिलते हैं तब तक के लिए और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।